करनाल हरियाणा राज्य के मध्य पूर्वी भाग में यमुना नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन शहर है, जिसे राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो महाभारत काल के इतिहास को समेटे हुए है। फ्रैंड प्राचीन कथाओं के अनुसार इस शहर को राजा कर्ण द्वारा स्थापित किया गया था, जो महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक था। करनाल का नाम करनालय से उत्पन्न हुआ है, जिसमें आलय का अर्थ है निवास स्थल। दोस्तों, अगर आधुनिक काल की बात करें तो यह शहर मुगलों और अंग्रेजों के कई ऐतिहासिक युद्धों का एक स्थल रहा है। शहर के स्मारक करनाल के समृद्ध इतिहास और संस्कृति के प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, करनाल को विश्व के मानचित्र में धान का कटोरा, कर्ण नगरी तथा हरियाणा का पेरिस जैसे उपनामों से जाना जाता है। यह शहर हरियाणा का 8वां सबसे बड़ा जिला भी है, जो लगभग 2520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। फ्रेंड भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक वैज्ञानिक व भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म इसी जिले में 17 मार्च 1962 को हुआ था। दोस्तों, अगर बात करें इस शहर की जनसंख्या की तो 2011 की जनगणना के अनुसार 15 लाख के लगभग है, और महिला पुरुष अनुपात यहाँ पर 996 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। फ्रैंड करनाल जिला हरियाणा राज्य बनने से पूर्व पंजाब राज्य का एक छोटा सा हिस्सा था। बाद में कई बार इस जिले का विभाजन हुआ। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बनने के समय करनाल को हरियाणा का जिला बना दिया गया। इस शहर की सीमाएं पानीपत, कैथल तथा कुरुक्षेत्र जिले की सीमा से लगती है। फ्रैंड यहां स्थित कर्ण झील करनाल के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल में से एक है, जिसे पर्यटक और स्थानीय लोगों द्वारा पिकनिक स्पॉट के रूप में बेहद पसंद किया जाता है। इस झील का नाम महाभारत के नायक कर्ण के नाम पर रखा गया है, जिस कारण यह झील शहर के ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों में भी काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कर्ण झील में पर्यटकों के लिए नौका विहार तथा बच्चों के लिए झूले और अन्य सवारी भी है, जो इसे परिवार के साथ घूमने के लिए करनाल की सबसे अच्छी जगहें में से एक बनाती है। दोस्तों, करनाल के प्रमुख त्योहारों में हरियाली तीज महोत्सव, नवरात्रि उत्सव, दशहरा, वसंत पंचमी और होली जैसे त्योहारों को बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिनमें स्थानीय लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में पर्यटक शामिल होते हैं। दोस्तों, इस जिले में मुख्यतः धान की खेती की जाती है। यह धान उच्च गुणवत्ता वाला होता है। इस जिले में अनेक बड़े उद्योग भी हैं। दोस्तों, इनके अलावा यहाँ 1961 में सैनिक स्कूल कुंजपुरा की स्थापना इस जिले में की गई थी, और यहाँ स्थित पॉलिटेक्निकल संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट तथा गेहूँ शोध निदेशालय आदि ने करनाल को नई पहचान दी है। दोस्तों, ये शहर चंडीगढ़ से 128 किलोमीटर दूर है और देश की राजधानी दिल्ली से 117 किलोमीटर दूर है। फ्रैंड करनाल में स्थित अटल पार्क सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यह पार्क 55 एकड़ में फैला हुआ है। इस पार्क में ओपन जिम, तालाब और 4 एकड़ में फैली एक झील भी है, जहां आप अपने परिवार, दोस्तों और कपल्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इस पार्क की हरियाली और शांत वातावरण ही आपका मन मोह लेगी। इसके अलावा यहां स्थित दुर्गा भवानी मंदिर करनाल के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। दुर्गा भवानी मंदिर को नवग्रह मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर माता दुर्गा को समर्पित है। यहां नवरात्रि त्योहार पर राज्य के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। यदि आप करनाल के इस दुर्गा भवानी मंदिर जाने का सोच रहे हैं, तो नवरात्रि और दशहरा उत्सव में जरूर शामिल होना चाहिए। दोस्तों, इनके अलावा भी करनाल में कई सारे दर्शनीय खूबसूरत स्थल मौजूद हैं, जैसे सीता माई मंदिर। ये मंदिर माता सीता को समर्पित पूरे भारत में एकमात्र मंदिर है, और गुरुद्वारा मंजी साहिब, कलंदर शाह का मकबरा, करनाल छावनी चर्च, बाबर की मस्जिद आदि कई सारे खूबसूरत पर्यटक स्थल मौजूद है। पर आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।